लिकफा ट्रिप के तमाम व्यूवर्स को मंठोका वाटरफॉल की इस सीरीज में खुश आमदीद। मंठोका के लिए मधुपुर में हसैनी चौक से राइट टर्न लें। यहां से मंठोका वाटरफॉल 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहां से एक रास्ता खपलू और दूसरा खरमंग की तरफ जाता है। खरमंग रोड पे मसलसल सफर आपको कारगिल तक ले जाता है। सारे का सारा एस्फाल्ट रोड बना हुआ है और किसी भी गाड़ी पर यहाँ आना मुमकिन है। ये रोड आपको सकरदू के मशहूर मकामात तक ले जाने में अहम किरदार अदा करता है, जिसके एक तरफ दरियाए सिंध शोर मचाता हुआ बहता है और दूसरी तरफ बुलंदो बाला ना खत्म होने वाला पहाड़ी सिलसिला, जहाँ से मंठोका वाटरफॉल तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पर वाकया है। आखिर 2 घंटे की ड्राइव के बाद मंठोका पहुंच गए। मंठोका वाटरफॉल के लिए सफर का आगाज सकरदू से सुबह 6 बजे किया। गेट पर ना तो कोई गार्ड है और ना ही कोई टिकट देने वाला। ऐसा महसूस हो रहा है कि यहां कभी को आया ही ना हो। दोनों आबशार खरमंग में वाकया हैं, जो सकरदू से एक दिन के खुशगवार टूर प्लान का हिस्सा बन सकती हैं। दोनों आबशार का शुमार सकरदू की सबसे खूबसूरत आबशार में होता है। इनका पानी काफी बुलंदी से गिरने की वजह से हवा में शामिल होकर ठंडक का एहसास पैदा करता है। सकरदू से बहुत कम दूरी की वजह से सियाहों की तवज्जो का मरकज है। सकरदू से मंठोका के लिए 4000 में गाड़ी बआसानी मिल जाती है। इस वक्त सुबह के 8 बज रहे हैं। यहाँ रिजॉर्ट, टेंट, होटल वगैरह की सहूलत मौजूद है।
अगर आप स्कर्दू से मंठोका के लिए निकलते हैं तो तकरीबन 30 किलोमीटर के बाद दरियाए सिंध पर हमायूं ब्रिज जाएगा, जहां से मंठोका वाटरफॉल 25 किलोमीटर और खामोश वाटरफॉल 50 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है। मंठोका वाटरफॉल की एंट्री फीस पर पर्सन 100 रुपया चार्ज की जाती है।